आज हम ला रहे हैं आपके साथ आपके लिए 4 BHK का फ्लैट जो कि बनी पार्क में सेंट्रली लोकेटेड है। ये बनी पार्क के अंदर STC विंटेज है, काफ़ी इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन बनी पार्क, उसमें ये लोकेट है। पूरी बिल्डिंग में 3 BHK एंड 4 BHK के फ्लैट हैं। इस बिल्डिंग के अंदर एमिनिटीज़ की बात करें तो स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, स्पोर्ट्स रूम है, होम थिएटर है और ग्राउंड फ्लोर पर काफ़ी बड़ी पार्किंग है। ये जो बिल्डिंग है ये बनी पार्क के कोने के ऊपर आकर मार्क के वो लोकेटेड है। ये बिल्डिंग आपको शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, वैशाली नगर, झोटवाड़ा, खातीपुरा से लोकेट करती है। बस स्टैंड से मात्र इसकी दूरी 500 मीटर है। एयरपोर्ट से ये 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। MI रोड से ये तक अप्रॉक्स 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये बनी पार्क काफ़ी अच्छी लोकेशन है, ये सेंटर ऑफ द जयपुर इसको कहा जाता है और मैक्सिमम जितनी भी सेंटर अप्रोच लोकेशंस हैं जयपुर की वो सब बनी पार्क से कनेक्ट होती हैं। यहाँ से आपको ऑटो, टैक्सी, कैब सब इजीली अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी बड़ा पास में मार्केट है, चांदपोल है, ओल्ड सिटी अगर बात करें तो यहाँ से जयपुर से बनी पार्क से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इस बिल्डिंग के अंदर ये अपन जो फ्लैट देख रहे हैं ये 4 BHK का फ्लैट है। ये बालकनी एक्सटेंडेड फ्लैट है, इसमें बालकनी है जो मेन रोड को फेसिंग है। 4 बेडरूम इसके अंदर है, एक हॉल है, एक ड्राइंग रूम है, किचन है और हर रूम के अंदर वॉशरूम अटैच है। प्लस यूटिलिटी एरिया है किचन के अंदर और ड्राइंग एरिया के अंदर देखेंगे तो आपको इसके अंदर किचन में और आपके ड्राइंग एरिया के अंदर फॉल सीलिंग हुई भी है। वुडन डोर लगाए हुए हैं। इसके अलावा इसमें वॉलपेपर का काम करा हुआ है और वॉलपेपर के साथ में कहीं कहीं इसमें पूजा रूम है और स्टोर रूम है और सर्वेंट रूम जो है वो इसके बेसमेंट में सर्वेंट रूम है। और इसकी ये बड़ी सारी लॉबी है, लॉबी भी काफ़ी चौड़ी है और ये इसमें 2 लिफ्ट एक्सेस के लिए इन्होंने दे रखी हैं, लिफ्ट 1 एंड लिफ्ट 2। सीढ़ियों से भी आप इसको फ्लोर को यूज़ कर सकते हैं, प्लस लिफ्ट से भी आप इसको असेस कर सकते हैं। ये इसका इंडोर गेम्स का हॉल है जिसमें TT है और जितने भी इंडोर गेम्स होते हैं, कैरम है, ये वो सब इसमें अवेलेबल है। एंड इसमें आउटडोर गेम के लिए भी कुछ अवेलेबल नहीं है। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल वो कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं उस टाइम ओपन होता है। ये इसका रिसेप्शन एरिया है, जब आप एंटर करते हैं तो ये रिसेप्शन एरिया है, इसके अंदर आपको वेट करके आपको रिसेप्शन बताना पड़ता है किससे मिलना है। प्लस यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो ये इसका एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस, सेकेंड एंट्रेंस है जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा एक स्कल्पचर से वाटर फाउंटेन का लुक दिया हुआ है। ये सब नीचे की स्टील फ्लोर की पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है। इसके अलावा कवर्ड पार्किंग भी है इसके अंदर, कवर्ड के पार्क साथ साथ इसके अंदर ओपन पार्किंग भी है विजिटर्स के लिए। और इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इन्होंने इस बिल्डिंग को जयपुर के विंटेज लुक के अंदर, इन्होंने हेरिटेज लुक के अंदर इसको डिज़ाइन करा हुआ है। काफ़ी ओपन स्पेस में पार्किंग है, काफ़ी बड़े एरिया में पार्किंग है। आपको पार्किंग की कोई परेशानी है, अगर घर में 3 या 4 गेस्ट आते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। प्लस साथ में इन्होंने कोने में एक टेंपल भी दिया है, मंदिर भी दिया है। इसके साथ साथ आप इसकी 2 एंट्रेंस एग्जिस्ट हैं, बाकी डिटेल्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।